आपको पैसा देखो, ये कृष्ण जी की कृपा है। पैसा दे, कृष्ण जी की कृपा है। श्रीमद भागवत भगवान के मंगलमय कथा में आगे आप श्रवण करोगे। भगवान के विवाह संपन्न हुए, प्रत्येक पत्नी से भगवान के 10-10 पुत्र हुए। भगवान तो गए द्वारिकाधीश और सुदामा जी दुर्बल शरीर, गरीबी आज पहचानते हैं, भगवान के नहीं पहचानते, लेकिन भगवान द्वारिकाधीश ने पहचान लिया। गुरुकुल के सखा है, आज उस परीक्षा की घड़ी आई है। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, प्रेम परीक्षा की घड़ी बनाया, मैल पर लाए और अपनी गति पर आशीन कर दिया। वहां पर जल का पात्र था, अर्घ्य पात्र था,
और सुदामा की दीन दशा को देख करके भगवान आश्चर्यचकित रहे। देखी सुदामा की दीन दशा, 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 करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। वसुधारा निकलने लगी भगवान कृष्ण कृष्ण तुरंत भगवान ने चूड़े से एक मुट्ठी चूड़ा निकाल करके खाने लगे। एक मुट्ठी चूड़ा खाया भगवान ने और चूड़ा खाने के बाद जैसी दूसरी मुट्ठी खाने लगे भगवान, तुरंत रुक्मणी ने हाथ धो दिया, यानी कि अपने आप को भी अर्पण करने लगे थे परमात्मा सुधामा को। आज मेरे घर पर तुम आए हो, मेरी पत्नियों को आशीर्वाद दो। आशीर्वाद देने के लिए कहा भगवान कृष्ण ने, मेरी पत्नियों को आशीर्वाद दो। हाथ थकने लगे सुदामा जी के, 16,108 पत्नियां हैं। जब कुछ समय तक सुदामा वहां पर रहे और उसके बाद सुदामा जी को कहा भगवान कृष्ण ने, अब तुम अपने घर के लिए प्रस्थान करो, भाभी जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। सुदामा जी सोच रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला, ऐसे ही मन में विचार कर रहे हैं सुदामा, मुझे कुछ नहीं मिला। सुदामा वहां से उठते हैं, निकलने लग जाते हैं, मन में विचार करते हैं, कृष्ण पहले भी छलिया था, आज भी छलिया है, आज भी इसने मुझे छल दिया। मेरी पत्नी ने कहा कि द्वारिकाधीश के पास जाओ, द्वारिकाधीश के पास जाओ। सुदामा हन्नी और सोनी को मिल रहा है स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पे, सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट यहाँ। और भाई जी देखो, पैसा बड़ी, बड़ी। पैसा है तो बड़ी 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 बातें हैं भाई। मजाक, ये मैं समझ गया क्यों बनना चाह रहा था सुदामा। और ये सभी लोग मन में माता रानी का ध्यान करते हुए भगवान अष्टक सभी लोग गाएंगे, और जिन लोगों को भगवान अष्टक आता है वो लोग साथ में बोलेंगे, जिनको नहीं आता है सभी लोग बड़े भाव से श्रवण करेंगे और माता रानी का ध्यान कराते हैं सभी लोग।